हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं और आईटीआई से फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आरआरबी के किसी भी जोन का कट ऑफ लगभग समान है। इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दिया था कि इतना मार्क्स आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40+ मार्क्स आपका है तो आपका आरआरबी के किसी भी जोन में सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपका 30+ मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो स्टूडेंट पीसीएम करके फॉर्म फिलअप किए हैं उनका कट ऑफ हाई जा रहा है, यानी अलग अलग आरआरबी के जोन में कट ऑफ अलग अलग जा रही है। किसी में 65, किसी में 55, किसी में 50 और किसी में 35, इस तरह का कट ऑफ पीसीएम वाले को जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी कुछ आरआरबी के जोन में रिजल्ट आया है, लेकिन कुछ आरआरबी के जोन का रिजल्ट अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आईटीआई किए हुए हैं तो आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीसीएम वाले को छोड़कर, क्योंकि पीसीएम वाले स्टूडेंट का कट ऑफ आरआरबी के प्रत्येक जोन में अलग अलग दिख रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।